दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, ANM 9212 नियुक्ति पत्र मामले पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार ANM नियुक्ति पत्र के मामले में क्या कुछ अपडेट्स इस समय मिल पा रही है। बिल्कुल पूरी इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। देख पा रहे हैं लिखा गया है ANM बहनों का दुर्भाग्य। बिल्कुल यह लिखने के पीछे क्या वजह है आगे हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। और नीचे देख पा रहे हैं लिखा गया है नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र। जाहिर सी बात है इस चीज को देखने के बाद कुछ लोगों की जो धड़कने हैं वो बिल्कुल तेज हो गई होंगे कि आखिरकार क्या वजह है जो नियुक्ति पत्र मिलने की बातें नहीं कही जा रही। ठीक है, यहाँ मिल गई नई डेट और उसके नीचे देख पा रहे हैं नियुक्ति पत्र के पीछे छिपा सरकार की, नियुक्ति पत्र के पीछे सरकार की क्या है रणनीतियाँ, इस पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में देख पा रहे हैं UP SSSC का बयान और उसके आगे आपको दिख रहा है जनता दरबार, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम कोर्ट केस अपडेट, यानी अगर कहा जाए 14 तारीख के डेट में आपके फाइनल कोर्ट केस की सुनवाई थी। ठीक है, लेकिन 14 तारीख के डेट को अगर देखा जाए तो आगे खिसकाकर जो है आपका 21 तारीख कर दिया गया है। एक चीज यह विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए पिछली बार भी सेम यही कंडीशंस लागू हुए थे और अब की बार भी यही कंडीशन लागू हुई कि 2 से 3 दिन पहले आपका जो मामला था वो आगे के लिए टाल दिया गया। आप सभी को पता है जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है कल एक नोटिस जारी किया गया जिसमें 14 तारीख को जो है पूरे भारत में छुट्टी बताई गई। ठीक है, ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी 14 तारीख को बंद रहेगा। क्या इस चीज को पहले किसी को नहीं जानकारी थी? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार आपके साथ रणनीतियां कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम आपके बीच में दिखाना चाहेंगे, ये देखिए कोर्ट का ऑफिशियल स्टेटस आपके बीच में लगाया है। पूनम द्विवेदी वाला मामला आपके बीच में स्टेट ऑफ यूपी चल रहा है। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें आपके बीच में दी जा रही हैं। केस लिस्टेड यहाँ देख पा रहे हैं जो है केस ऑन लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी, ये डिटेल्स आप देख पा रहे हैं 14 तारीख की डेट में। कंप्यूटर जनरेटेड यह स्टेटस आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी अगर कहा जाए आपके ANM नियुक्ति पत्र यानी EWS मामले के संदर्भ में अब 21 अप्रैल को फाइनल सुनवाई होनी है। क्या सवाल उठता है इधर देख पा रहे हैं आचार संहिता में, जो लोग कह रहे थे कि भैया आचार संहिता में हमको मिल जाएगा नियुक्ति पत्र, तो उनके लिए प्रूफ आ गया है। देख पा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अब आचार संहिता का पेज, इसमें भी सेम वही कंडीशन से सब कुछ प्रोसेस पूरा हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें जो है नियुक्ति पत्र मिलना है। लेकिन कहीं ना कहीं आचार संहिता प्रभावी होने की वजह से अब इनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। यहां से आप देखने का प्रयास करेंगे डिटेल्स आपके बीच में। इस बीच नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई, चुनाव में आचार संहिता लागू होने और यहां देख पा रहे हैं कि कारण चयनितों को अब नियुक्ति पत्र के लिए मई के मध्य का इंतजार करना होगा। आपको पता है 15 तारीख के पहले पहले 15 मई के पहले यानी 13 तारीख को मतगणना है नगर निकाय चुनाव की, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो आचार संहिता है जो प्रभावी है इस समय वो खत्म होगी। उसके बाद कहीं नियुक्ति पत्र 15 तारीख के बाद आपको मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए नियुक्ति पत्र के पीछे सरकार की क्या रणनीतियाँ, हमने आपको पहले भी बता दिया कि 2024 के चुनाव को ये हर हाल में टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ UP SSSC का बयान आपने अभी लेखपाल भर्ती मामला देखा, वो भी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, डेट पे डेट आपके बीच में दे जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी यही वजह है 24 के चुनाव को। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं सत्य कहने से कभी पीछे नहीं उठता हूँ। ठीक है, यहाँ जनता दरबार लगातार अगर देखा जाए, एक चीज़ का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा कि आपके बीच में जो है आचार संहिता प्रभावी है। एक नोटिस हम आपको दिखाना चाहेंगे, नोटिस आपके बीच में लगी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा गया है लखनऊ नगर निकाय चुनाव को मद्देनजर लखनऊ में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही। इसके आगे देख पा रहे हैं दिया जा रहा है कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा
कि ANM नियुक्ति पत्र के संदर्भ में अगर कहीं भी धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, वैसे धरना प्रदर्शन नहीं करना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे हम मान लेते हैं आप जनता दरबार कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो बिल्कुल वहां आप शालीनता से जाएंगे, धारा 144 लागू है, ठीक है। ऐसे में आपको बिल्कुल शालीनता से जाना है और अपना काम करके वहां से चले आना है, भीड़ एकत्र नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे मैं कहना चाहूँगा कि जनता दरबार अगर कहीं भी लग रहा है तो बिल्कुल आप वहाँ पहुँच कर अपनी समस्याओं को अवगत करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट इतना आपको ध्यान रखना है, दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि धारा 144 लागू है, हमें कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना है जो कानून का उल्लंघन के रूप में आ जाए, ठीक है। तो यहां UP SSC का बयान पहले से आ चुका है कि नियुक्ति पत्र आपको तब मिलेगा जब आपने एक बार जो ANM नियुक्ति पत्र के संदर्भ में जब आप आयोग गए थे तो वहां उनके द्वारा कहा गया था कि जब तक सरकार का कोई ठोस कदम नहीं होता है, यानी कहा जाए सरकार का आदेश नहीं आता है या ऊपर का आदेश हमें नहीं आता है, तब तक हम आपका नियुक्ति पत्र वितरण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो ANM नियुक्ति पत्र के संदर्भ में जो ज्ञापन सौंपने की मुहिम आपने चलाई है उससे आप जारी रखिएगा, बट ध्यान आपको रखना है कि धारा 144 लागू है। नियुक्ति पत्र कब मिलेगा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब आपको नियुक्ति पत्र मिलने के जो चांसेस हैं वो 15 मई के बाद ही मिल पाएंगे, इससे पहले पहले आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। और आपकी जो फाइनल सुनवाई है वो 21 तारीख को है, 21 तारीख को अब देखना है क्या आपकी बार की तरह फिर अगली बार डेट मिलता है, 21 तारीख को फाइनल सुनवाई हो जाती है, यह माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।